नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो ये जो मैथ की प्रैक्टिस सेट है, जो 10वीं प्रैक्टिस सेट है, रेलवे के हर एग्जाम, चाहे वो कांस्टेबल का हो, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या हो एसएससी जीडी, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ रियल क्वेश्चंस है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे की अनुसार दी गई है। चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और दूरी जो है हमारी मीटर में दी गई है। तो जैसा कि एक फॉर्मूला जो है इनका, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हमको वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन हमारा जो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है, तो चाल हमारा जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो चाल जो हमारा 54 है, अगर इसमें हम 5/18, 5 इंटू करेंगे और 18 का डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी चाल होगी ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 18 तिया 54 होता है और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड की अब हमारी जो चाल हो जाएगी। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले वाले वैल्यू पे पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले पे इन वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी रख करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। तो चाल, अब हमको समय निकालना है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर, समय बराबर जो दूरी तो एज इट इज रहेगी, दूरी बटा में आ जाएगा चाल, ठीक। टाइम अपॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो चाल होती है, तो दूरी हमारी 450 है, चाल हमारा 15 है, 15 तिया 45, यानी 30, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 सेकेंड लगेगा इस ट्रेन को पार करने में। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्ष में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको आप कैसे करेंगे। देखिए, 75% की वृद्धि हुई कितने में, 10 साल में, भाग दे देंगे 7.5%, 1 साल में वृद्धि हो रही है, 7.5 × 6 हमको कर देना है, 6 × 5 = 30, हासिल का 3 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 43 = 44, 45, 1 दशमलव, मतलब ये 45, 45% की वृद्धि होगी। हमने किया क्या, यहाँ 10 साल में 75% हो जाता है कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो 75 / 10 करेंगे, 1 साल का हमारा 7.5% आएगा, 7.5 को 6 से इंटू कर देंगे तो 45 हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, ये पूरा एक दिया गया है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले डिवाइड से सॉल्व होता है, तो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 72 − 4 40 + 3 × 6 − 4 =
इंटू फोर ब्रैकेट प्लस 20, ये आ गया, भाग हो गया। अब गुणा करेंगे तो इनका दोनों का हम गुणा करेंगे तो 72 माइनस 4 छत्रिक 18, 40 प्लस 3 माइनस 16 प्लस का 20, ये हो गया। अब आगे हम करेंगे क्या, अब देखिए भाग हो गया गुणा हो गया, अब प्लस होगा तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 72 माइनस 4 ब्रैकेट, ये प्लस प्लस का तो ये जुड़ेगा तो 58 हो जाएगा, इन दोनों को जुड़ेंगे माइनस 16 प्लस का 20, इतना हो गया 72 माइनस, ये हो जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 42 आ जाएगा प्लस का 20। और ये जो ये अभी ब्रैकेट में इसको रखिएगा और यहाँ पे 4 है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 का इंटू होगा, 4 का इंटू होगा 42 से, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 4 इंटू 42 प्लस का 20, 72 माइनस 168 हो जाएगा, 42 चौको 168 प्लस 20। अब ये 20 और 72 जुड़ेगा तो यहाँ पे 92 होगा, और 168, 168 में हम 92 घटा दें, 168 माइनस 92 तो ये 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और चूंकि ये 16 है 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो माइनस का 76 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले ऊपर का अगर आप जब सॉल्व करिए फिर नीचे का, तो जो वोडो मोस का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। वन ये ब्रैकेट में 4/5 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 तिकाई 9, ये स्क्वायर है तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 तिकाई 9 × 8 माइनस 4 × 2, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब वन, अब उसके बाद ये देखिए ये इंटू हो जाएगा 4/5, 3 माइनस 3 का इंटू हम 1 में करेंगे तो यहाँ पे 3 ही मिलेगा प्लस का 2, ये ब्रैकेट इधर से क्लोज इंटू का 8। अब नीचे में 4 × 8 8, 9 × 9 = 72, 72 ये हमको यहाँ पे प्लस का 72 मिल गया। अब हम करेंगे क्या, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 − 4/5, और ये जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा इंटू का 8 बचेगा डिवाइड बाई, और ये इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 64, 64 ये मिल गया 1। अब आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब इसको सिंपलीफाई कर देना है, कैसे करना है देखिए, ये 5 का इंटू इधर हो जाएगा तो 4 − 5, उसके बाद बचेगा नीचे में ये जो 8 है, इस 8 से 8 = 28 = 64 8 कट जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस का 1 यहाँ ऊपर में बचा 1 माइनस ये नीचे का 8, 8 का इंटू इधर 8 होगा, ठीक, 8 का इंटू इधर 8 में करेंगे, और ये माइनस का 1 तो है ही एज इट इज,
और एट तो वन तो है ही एज इट इज, माइनस वन बाई एट, तो ये हो जाएगा ये, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, देखिए ये यहाँ पे जब हुआ ये 8 से हमने इसको काट दिया, 8 28 64, अब बचा क्या 1 माइनस 4 -5, ये 5 एज इट इज यहाँ रह गया और 8 इधर आ गया। ठीक है, अब हम 1 माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, ये 5 आ गया, बटा में ये पूरे के बटा 8 है, और ये अब इसके नीचे भी अगर 1 मान लें तो इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे होगा, तो 1 माइनस फिर -1 बाई 8 45। ठीक, ये इतना ये सिंप्लीफाई किया तो 8 5 40 आ गया, 40 का इंटू 40 41 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई 40, 41 बाई 40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 3x+2y बराबर 13, तो y² - 4y+4 = 0, तो एक्स वाई का मान हमको ज्ञात करना है, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला पैटर्न फॉलो ये करेंगे, तो अगर y² - 4y+4 = 0 को हम y - 2 का होल स्क्वायर कर दें, a - b का होल स्क्वायर, तो ये आसानी से आ जाएगा। ठीक, अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि y बराबर 2 हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब इस y की जो वैल्यू है उसको हम इस वाले वैल्यू में रखेंगे, 3x+2 × 2 = 13, 3x+4 = 13, 3x = 13 - 4, 3x 9 4 13, 3 3 9 x बराबर हमको यहाँ पे मिल गया 3, y = 2, 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। हमने किया क्या, ये जो दिया गया है ये y - 2 का होल स्क्वायर है, तो हमको यहाँ से एक मूल इसका कह सकते हैं y = 2 मिल गया। y = 2 का मान समीकरण एक में हम इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 उसमें रखें, और y का मान तो हमको मिल ही गया, x की वैल्यू भी हमको मिल गई y की वैल्यू रखने पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 30 संख्याओं का औसत जो है 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना हुआ ये ज्ञात करना है। औसत बराबर, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है औसत। हमको कितना दिया है, 55 दिया है, 55 दिया है, योग हमको ज्ञात करना है, संख्या कितनी है 30। अब ये इसका इंटू इससे होगा, तो x = 55 * 30, तो जब हम 55 * 30 अगर करते हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा, सम संख्याओं का योग 1650 हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर 1650 देखने को मिल जाएगा। ये 1650 30 संख्याओं का जोड़ है, ठीक। अब हम 15 संख्याओं का औसत इसी फॉर्मूले पर फिर रखेंगे, 51 बराबर x बटे 15। इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना, सेम वही पैटर्न इसका इंटू इससे करना है और x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से हमको मिलेगा 765, x इज इक्वल टू 765, ये मिल गया। हमने इस इतना सॉल्व किया और इतना सॉल्व कर दिया। अब 12 संख्याओं का औसत, तो 12 अंतिम 12, तो 12 गुणे एक्स बटा 56 बराबर एक्स बटा 12, एक्स बराबर 56 गुणे 12। इसको हमको करना है सॉल्व। इसको जब इंटू करेंगे तो 672 देखने को मिलेगा, तो एक्स बराबर 672 यहाँ पे मिल गया। अब हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, अंतिम जो संख्या है अब हम करेंगे क्या, ये टोटल सम तो 1650 है, 30 संख्याओं का औसत 1650 है, हम करेंगे क्या 765 और 672 का माइनस। तो ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देना है। 7 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, तो ये बच गया 4। 14 में से चौदह में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया 5। और ये इसको 6 दूना, अब ये देखिए 6 दूना 12 13, 13 का मतलब 3, और ये 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये 1, मतलब 231 हमको देखने को मिल गया। अब 231 दो सॉरी 213 हमको मिला है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, 78 68 और 74। तो यहाँ पे मिल गया ये 4 3 12 के 2 हासिल का है, 6 2 12 13 1 14, 142। 142 को इससे कर देंगे माइनस, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, 7 4 11 71। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या है, सम औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। 30 संख्याओं का औसत 55 दिया, तो 55 औसत की जगह पे हमने 55 रखा, आंकड़ों का योग की जगह पर एक्स रखा क्योंकि हमको आंकड़ों का योग ज्ञात करना है। 30 से इंटू किया तो 1650 देखने को मिला। फिर आगे कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 51 है, तो 15 गुणे 51 किए तो 765 देखने को मिला, तो हमको 15 संख्याओं का औसत मिल गया। फिर अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 दिया, 56 गुणे 12 किया तो 772 मिल गया। 772 और 665 को हमने प्लस किया और 1650 से माइनस किया तो 213 मिल गया। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 68 प्लस 34 के अलावा 3 संख्या, तो ये जो 71 है ना, 5 संख्याओं का औसत है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले कह रहा है 2 sin y + cos y बराबर √5 sin y है, तो tan का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा इसको हम करेंगे क्या, 2 sin y + cos y बराबर में √5 sin y दिया गया है, टेन का मान हमको ज्ञात करना है, टेन वाई का मान। हम करेंगे क्या, इसमें कॉस वाई से भाग दे देते हैं, इस इक्वेशन में कॉस वाई से भाग दे देंगे, तो कॉस वाई से भाग देंगे तो 2 sin y / cos y + cos y / cos y बराबर √5 sin
वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई, ये कट के यहाँ पे हमको वन मिल गया। कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस का मतलब होता है टेन, तो यहाँ पर टू टेन वाई प्लस वन बराबर अंडर रूट फाइव साइन वाई बाई कॉस वाई। कॉस वाई का यहाँ पे मान, यहाँ पे साइन वाई और साइन वाई, साइन वाई बटा कॉस वाई का मतलब टेन हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे टू टेन वाई प्लस वन इक्वल टू रूट फाइव और यहाँ पे टेन वाई, क्योंकि कॉस बट्टा साइन बटा कॉस बराबर होता है टेन। अब हम इसको आगे क्या करेंगे कि इस टेन को इधर हिला देते हैं, तो टू टेन वाई प्लस वन ये इधर आएगा, तो रूट फाइव माइनस का टेन वाई हो जाएगा बराबर जीरो। अब हम करेंगे क्या, टेन वाई को कॉमन ले लेते हैं, टेन वाई बराबर टू प्लस वन रूट माइनस रूट फाइव, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे, चलिए ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे टू टेन वाई इस वन को जीरो के साइड भेज देते हैं, तो ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट फाइव टेन वाई इक्वल टू वन। इतना होने के बाद ये वन उधर है, तो यहाँ से टेन को हम कॉमन ले लेंगे, टेन वाई बराबर या ब्रैकेट टू माइनस रूट फाइव इक्वल टू वन, ये इधर इनटू में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टेन वाई इक्वल टू वन वाई टू माइनस रूट फाइव, ये हमको यहाँ पे मिल गया मान। अब हम यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे इसका, तो इधर देख लेते हैं, टेन वाई इक्वल टू वन बाय टू माइनस रूट फाइव इंटू टू प्लस रूट फाइव टू प्लस रूट फाइव, ये ऊपर में आ गया टू प्लस रूट फाइव और ये दो दूना चार, या ये एक हो गया, क्योंकि जब हम इसका इसका इंटू करेंगे तो चार हो जाएगा और इसका इसका इंटू करेंगे तो पाँच हो जाएगा, पाँच में माइनस एक कर देंगे तो चार एक ही आएगा, तो टू प्लस रूट फाइव, टू प्लस रूट फाइव ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।